लेना कि कामयाब होना कोई बड़ी बात नहीं है। कामयाब तो आप अपने संघर्ष से हो ही जाते हैं, मगर उस कामयाबी को हासिल करने के बाद जो गुरूर आप में आ जाता है वो आपके लिए और भी गलत होता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है टीवी टाउन के कॉमेडियन किंग के साथ, यानी कि कपिल शर्मा के साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि यहां पर कपिल शर्मा जो है एक बार अपनी गलती को फिर से दोहरा रहे हैं। जी हां, बीते दौरान आप सभी जानते हैं कि कपिल शर्मा जिन जिन चीजों को लेकर मीडिया में बार बार खबरों का कारण बन रहे थे, अपने बिहेवियर को लेकर ऐसा लग रहा था कि जो उनमें कामयाबी का जो नशा है वो सर चढ़ के बोल रहा था। अब एक बारी जहां पर फिर से उन्होंने टीवी टाउन में वापसी की अपने शो के जरिए, द कपिल शर्मा शो के जरिए, अब ऐसा फिर से दिखाई दे रहा है। खबरें फिर से ऐसी कह रही हैं कि फैंस के साथ वो कुछ ऐसा करते देखे गए जिसे देखने के बाद यकीनन आपको गुस्सा आ जाएगा कि कपिल अब तो शर्म करो, आप यही कहेंगे। क्या कुछ किया है कपिल ने, आप देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। द कपिल शर्मा शो टीवी पर ऑन एयर हो चुका है, जहां पर बीते दौरान कपिल शर्मा के साथ जो भी हुआ, मगर उसके बाद कपिल शर्मा ने एक शानदार कमबैक किया। मगर अब ऐसा लग रहा है कि भाई कपिल शर्मा का ये जो स्टार्डम है वो और भी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते अब उनको सक्सेस का नशा लग चुका है। भाई ऐसे में हाल ही में कपिल ने एक बार फिर से वो गलती कर दी जो गलती का भुगतान वो बीते दौरान कर रहे थे। हाल ही में कपिल शर्मा एक 5-स्टार होटल में रुके थे, जहाँ पर फैंस ने उनसे फोटो खिंचवाने के लिए कहा और उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कपिल के अलावा यहाँ पर रणवीर सिंह, मीका सिंह और कुछ अन्य बड़े स्लैब्स भी मौजूद थे, लेकिन सिर्फ कपिल एक ऐसी सेलिब्रिटी थे जिन्होंने फैंस के साथ फोटो नहीं खिंचाई, ना तो उन्होंने सेल्फी दी और ना ही उन्होंने फोटो भी क्लिक कराई। कहीं ना कहीं कपिल का ये बिहेवियर देखकर फैंस काफी ज्यादा निराश हो चुके हैं। फैंस का गुस्सा काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुका है कपिल को लेकर। बीते दौरान कपिल ने कुछ ऐसी ही गलतियां की थी जिसके कारण उनका शो तक बंद हो चुका था। कहीं अब ऐसा ना हो कि जो टीआरपी लिस्ट में शो नंबर 1 की पोजीशन पर आ रहा है वो शो एकदम नंबर लास्ट पे चला जाए, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कपिल को कि भाई टीवी टाउन हो या फिर बी टाउन, क्योंकि सितारों को सिर्फ फैंस ही उठाते हैं। चाहे वो टीवी टाउन का कोई सितारा हो या फिर बी टाउन का, फैंस की निगाहों में गिर जाना यानी कि भाई अब आपने कुछ नहीं करना। और ऐसे में अब कपिल का एकदम दोबारा से ऐसा एटीट्यूड सामने आना जो उनके लिए घातक हो सकता है। सो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने कि आखिरकार कपिल शर्मा क्या हरकतें कर रहे हैं। चाहे हम बात करें टीवी टाउन के सितारों की या फिर बी टाउन की, फैंस ही होते हैं जो उन्हें जमीन से आसमान तक पहुंचाते हैं और फैंस ही हैं जो आसमान से जमीन पर ही ले आते हैं। ऐसे में आपने देखा कि जब फैंस के घेरे में आ गए कपिल, तब उनसे कहा गया कि प्लीज हमारे साथ आप सेल्फी क्लिक कराएं, फोटोज क्लिक कराएं, तब यहाँ पर कपिल के अंदर इतना गुरूर आ गया कि वो फैंस को धक्का देते देखे गए। यहाँ पर ट्रोलर्स ने उन्हें जमके ट्रोल किया है और फैंस का गुस्सा भी साफ तौर पर आपने देखा। देखा आपने कि यहाँ पर हर कोई यही कह रहा है कि शायद फिर से एक बारी कामयाबी के नशे में चूर हो रहे हैं कपिल शर्मा। बीते दौरान भी देखा गया था कि कपिल को डिप्रेशन हो गया था, जिस तरह का डाउनफॉल उन्होंने फेस किया, मगर एक बारी फिर से वही गलती करते भी उन्हें देखा गया। खैर, देखना होगा कि जिस शो को फैंस ने टीआरपी की लिस्ट में नंबर 1 पे पहुंचाया है, ऐसी हरकत जो सोशल मीडिया पर काफी धड़ल्ले से वायरल हो रही है, उसके बाद जब टीआरपी की अब लिस्ट आएगी तो उसमें यकीनन ही कपिल को झटका लगेगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, मगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।